सुहागपुरा थाने में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। 4,500 रुपए देने गया था पीड़ित, पक्ष में कार्रवाई करने के एवज में की थी मांग। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ एसीबी ने आज दोपहर में सुहागपुरा थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल को 4,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह संधु ने जानकारी देते हुए बताया, 19 मई को एक प्रार्थी ने चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय पर मामला दर्ज कराते हुए बताया, उसने सुहागपुरा थाने में 23 मई को परिवाद पेश किया गया था, जिसमें परिवादी के पक्ष में कार्रवाई करने की एवज में कांस्टेबल यशवंत सिंह ने 10,000 रुपए की रिश्वत हेड कांस्टेबल ने प्रार्थी द्वारा खरीदे गए भूखंड को विपक्ष पार्टी द्वारा हड़पने संबंधित कार्रवाई को लेकर मांगी गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह ने पीड़ित प्रार्थी से 30 मई के दिन 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिस पर पीड़ित ने 2,000 दिए और बाकी के 5,000 लिया जाना तय हुआ। 9 जून को रिश्वत की राशि मांग सत्यापन के साथ पीड़ित द्वारा 4,500 रुपए हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह को देते समय एसीबी ने रंगे हाथ मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह के क्वार्टर पर एसीबी टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। फिलहाल एसीबी ने हेड कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सुहागपुरा पुलिस स्टेशन पे 3-4 दिन पहले एक सूचना दी थी कि किसी बणेश गांव के व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा 50,000। जिस व्यक्ति से प्लॉट खरीदा वो विक्रेता कुछ समय बाद क्रेता को परेशान करता है और कहता है कि तुम्हारे को जो 50,000 में प्लॉट दिया वो सस्ता दे दिया, या तो मुझे कुछ रुपये और दो नहीं तो ये प्लॉट मुझे वापस दो। इस पर वो परेशान आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि मैंने पुलिस को रजिस्ट्री कराई है, पैसे पूरे दे दिए, कब्जा भी ले लिया, उसके बावजूद भी मुझे परेशान किया। तो पुलिस स्टेशन सुहागपुरा से यशवंत सिंह नाम के हेड कॉन्स्टेबल उससे 10,000 रुपये की मांग है। तभी हम तेरी मदद करेंगे, उसको लाके कितना आ जाएगा, क्योंकि वो 7,000 में एग्री होते हैं, 2,000 रुपये ऑन स्पॉट ले लेते हैं 30 तारीख को, और फिर आज 4,500 रुपये और मांग दिए जिसमें वो देता है।